आखिर लाखों इतना फास्ट गाड़ी चलाता है, छोड़ मुझे, छोड़ वाले उसे। बात तो सुन यार, चश्मा घर भूल के आया क्या? लड़की चला रही है यार, लड़की है, लड़की तो क्या उसको छूट है क्या? अरे चले चल गाड़ी से उतर, भाई तो सॉरी बोल। समझ ना यार, ओ तो तेरा दिल आ गया उसमें, भाभी है तेरी, चल सुंदर है, क्यूट है, हाँ बहुत क्यूट। ये रोड पर पैदल चलने वाले हमेशा कार वालों से जलते हैं, साले सभी एक से हैं। अगर साइकिल वाला स्कूटर वाले को टक्कर मारे तो दोष स्कूटर वाले का, स्कूटर वाला कार ठोके तो भी कार वाला ही दोषी होगा, कार वाला ट्रक को ठोके तभी गलती कार वाले की नहीं होती। बिल्कुल, ट्रेन अगर प्लेन से टकराए तब भी गलती प्लेन की, गलती चाहे छोटी गाड़ी वाले की ही क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर सामने से छोटी गाड़ी आती दिखे तो साइड में कर लो अपनी गाड़ी, अगर नहीं की तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। और ये गरीब लोग, ये तो हमेशा से ही हम अमीरों की शान शौकत से चलते रहे हैं। बिल्कुल, क्या हमने कभी किसी गरीब को कोई तकलीफ पहुंचाई? नहीं सर, कभी नहीं, नेवर। बेटा, इन साले मजदूरों की सोच ही ऐसी होती है। एक काम करो, जब भी वो तुम्हें दोबारा दिखे उसे बिंदास ठोक देना, उसका हम शक्ल भी हो तुम बस ठोक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। सर जी, उसे ठोकना है तो दुबई में फोन लगाकर बोल दूं, वो ठोक देंगे। अपना दिमाग में चला जा उसे। सुपरिंटेंडेंट साहब हैं क्या? नहा रहे हैं, थोड़ा इंतजार करो। चले। सुपरिंटेंडेंट अपन को देखते ही खड़ा होकर सलूट मारेगा। पहचानो? अरे कौन है यार? गैस तो करो। कौन है यार? हे, नो चीटिंग। संजना, कैसी है तू? क्या यार, अपने भाई के साथ मस्ती भी नहीं करने दी। पर वो तो मेरा भाई है ही नहीं। क्या कहा? ये रोहित नहीं है? नहीं तो ये लोग डैड से मिलने आए हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, अच्छा लगा। हाय यार। हाय। हाय। कैसी हो? बहुत दिन बाद मिले। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? हाय संजना, बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हो। कब आई तुम? आपके आने से जस्ट पहले। तुम्हारे डैड कैसे हैं? डैड ठीक हैं। अच्छी बात है, चलो तुम सब अंदर जाओ। ओके डैडी। नमस्ते सर। क्यों भाई, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। यहाँ घर पे क्यों आए? वो क्या है ना सर, मुझे बैंकॉक में नौकरी मिल रही है, लेकिन पासपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ हेल्प करते तो। पासपोर्ट बनवाना आसान काम नहीं है, और तुम जेल भी जा चुके हो, तुम्हें मुश्किल होगी। पासपोर्ट ऑफिस में आपका फ्रेंड है ना? ये तुम्हें किसने बताया? उस दिन आप ही ने तो नशे में कहा था। क्या बोल रहा है यार? नशे में तुम खुद रहते हो और उल्टी सीधी बातें करते हो। नाराज मत होइए, हम कल मिलने आते हैं। वो क्यों? सर, हरीश की जमानत के पेपर। हरीश, गुड मॉर्निंग सर। कैसे आना हुआ? मैं आपको पासपोर्ट दिखाने आया। क्या पासपोर्ट? एक ही दिन में किसने दिया तुम्हें? बाजार में सब कुछ होता है सर, थोड़े पैसे दे दो काम हो जाता है। इससे मैं बैंकॉक तो जा सकता हूँ, लेकिन सही तरीके से जाना है। ओरिजिनल पासपोर्ट बनवा दीजिए ना। आखिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। हे सर, इसके डिटेल्स ले लो और मेरे घर के एड्रेस पर इसका पासपोर्ट अप्लाई करो। जी ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या बाबू, तुम्हारे सारे पेपर तैयार है ना? है ना? साथ में 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे। मेरे? नहीं तो क्या मेरी बीवी के? वो सारे कागजात लेकर मैं पासपोर्ट ऑफिस चला जाऊंगा और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, समझ गए? जानता भी है, वो साहब की बेटी की सहेली है। मेरी बात मान, राखी बंधवा ले। सुन, ऐसी नजरों से दिखेगा तो पासपोर्ट कट जाएगा। बैंकॉक में कहाँ जॉब करोगे? एक ट्रैवल एजेंसी में। ट्रैवल एजेंसी में? हाँ सर। गुड, ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक्स की जरूरत नहीं, पासपोर्ट पर मेरा एड्रेस है। जी। गलत काम मत करना। जरूर सर। चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके। ये देख छोटे, असली पासपोर्ट। तो फिर चलो पार्टी करते हैं। अब तो मैं बैंकॉक जाऊंगा प्लेन से। एक प्रॉब्लम है यार, जाने से पहले तेरी भाभी से मिलना है मुझे। मिलना है? वो भी भाभी से? अरे मिलना मिलना छोड़, उसे भी अपने साथ ले जा। अरे क्या बोल रहा है? उठा के ले जा। ये देख ले, होने वाली भाभी का शीश महल। माइका जय किशन, इस पे तो म्यूजिक का भूत सवार है, इसे तो बाटली में उतारना बहुत ही आसान होगा। चल भूत उतारे। यही है क्या? यही वो हीरा सर जिसकी आपको तलाश थी। मधुर भंडार करके छोटे भाई। नमस्ते सर। एक्टिंग के बारे में क्या जानता तू? मिमिक्री कर लेता हूँ, म्यूजिक में भी अच्छी पकड़ है। म्यूजिक नहीं। छोटे मधुर जी, एक मिनट, मैं पर फिल्म बना रहे हैं। भूतनी के? तू भूतनी का? जानता है, दुनिया की रक्षा करने वाला सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इसने लोगों की रक्षा करना कहाँ से सीखा? मुझसे। अच्छा? उन सब के अंदर मेरा खून दौड़ा है, मैंने उन्हें ब्लड डोनेट किया था। दुनिया में वॉचमैन कितना फेमस है जानता है? अभी पता चला। हिल गया ना,
एकदम हिल गया। थैंक यू। ओ सर का मूड बन गया, पेन और पेपर ला, स्क्रिप्ट लिखेंगे। बैठिए इधर ही रख दिया, रोड पे बिठाएगा। अरे कोने में ले चल, कोने में। आइए ना सर, आइए आइए, यहाँ बैठिए, ये लीजिए, आराम से बैठकर रात भर लिखिए। साहब भी घर में नहीं है। वो सोचने दे और मेरे साथ बाहर चल, तुझे जो भी आता है मुझे करके दिखा। अब बैठो बैठो। सर स्क्रिप्ट तो जल्दी पूरी हो जाएगी ना, बचपन से लिख रहे हैं। वैसे एक्टिंग तो तेरी कमाल की, लेकिन ये बता तुझे ठीक से बजाना तो आता सर, है ना? सर म्यूजिक तो मेरी रग रग में है। एक पुराना गाना सुनाओ, वो भी रिमिक्स करके। हाँ। मारी डालोगे अब इसी गाने का। ऐसा? मैं आपको रिमिक्स सुनाता। अच्छा ₹1000 का गाना था। शुक्रिया। फंटास्टिक। इस गाने की तो रिंगटोन बननी चाहिए। रिमिक्स का रिमिक्स सर। हाँ? सुना, शुरू हो जा। सुनिए। सुना। ऑडिशन कब लेंगे? एक्टिंग बाद में, पहले काम पे ध्यान दे। आरो, आरो। भाभी दिखी गया? दिख गई। बैंकॉक से गिफ्ट लाना। सर, हाँ? चरण मैं हूँ सर। ओ हाय चरण। हाँ मैं उत्तेज, हमारा ऑफिस उस बिल्डिंग में है। अरे गणेश। हाँ हाय। हाय। अरे बबलू चरण मिलो। हेलो गुड मॉर्निंग चरण, बैंकॉक टू वेलकम। हाय सर, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। आप मेरा नाम जानते हैं? काम साथ करते हैं, जो लोग हमेशा याद रखना चाहिए नाम उनके तो सेंस कॉमन है ना। अब मेरा बताओ नाम। सॉरी सर। काम करने आए हो मेरे साथ और इतना भी पाए नहीं समझ तुम? नए ऑफिस में हर जगह हालत एक ही जैसी होती है, करो कोशिश और जान लो नाम मेरा। ओके सर। लापरवाही कहलाती है ये, और ये हमारे यहाँ नहीं चल पाती। बॉब है नाम मेरा, इंडो बैंकॉक कंपनी का बॉस कहलाता हूँ मैं। यहाँ तुम्हारा काम होगा कि तुम्हें आने वाले सारे टूरिस्टों को घुमाना होगा, सिर्फ घुमाना। जिस शहर में बहुत है ब्यूटी, लेकिन सिर्फ घुमाना है तुम्हारी ड्यूटी। भगवान है मेरे लिए कस्टमर, और उनकी खुशी के लिए मैं कर सकता हूँ स्टाफ का मर्डर भी। ये बात मैं समझा चुका हूँ। मैं तुम्हारी समझ से समझ सकता हूँ कि तुमने क्या समझाया होगा। यही कहा होगा कि मैं इमोशनल हूँ। नहीं सर, ये तो तारीफों के पुल बन रहा था। यूं पुल बांध के मुझे मत चढ़ाओ, मैं सब समझता हूँ, मुझे मत समझाओ। अब चलो बहुत होगी उड़ुम धुड़ुम, जाओ दिखाओ जाके इसे अपना रूम। अपना बस दिल का अच्छा है पर शौकीन नहीं है। इस इलाके को सुकून भी सोई कहते हैं, यहाँ की भाषा में सोई यानी के सड़क। आजा, और ये है हमारा सर्विस अपार्टमेंट, कंपनी इसका भाड़ा भरती है। चलो अच्छा। कभी कभी हम यहाँ पे लड़कियों को भी लाते हैं, अगर उनकी मर्जी हो तो, फिर मर्जी हमारी। तुम अच्छा। लाने से एक दिन पहले मुझे बता देना, वरना मुझसे शेयर करना होगा। और अगर मैं यहाँ लड़की नहीं लाया तो मुझे तो कोई खतरा नहीं ना? नहीं यार, मैं दोस्तों पे बुरी नजर कभी नहीं डालता। थैंक यू। देख लिया, अब चले।
चरण, ये पैकलैन स्ट्रीट है, ये थाई बॉक्सिंग के लिए बहुत मशहूर है। चल वहां देख, चल ऊपर चलते हैं। अबे अरे देख के चलना, अंधा है क्या? सॉरी बोल, सॉरी बोल। बोल दे चरण। क्यों बे अंधे, अभी आंखें खुल गई तेरी? आंखें नीचे कर, आंखें नीचे, बोला ना। क्या मैं तेरे को आइटम दिख रहा हूं? आंखें नीचे। तेरे जैसे कितनों की आंखें निकाल के आई बैंक बना चुका हूं, जो बोला है कर। ए डेढ़ पसली, तेरे को नहीं बोल रहे, लाओ काम हो गया कि नहीं ये बता तू मेरे को। शांत हो जा। अरे माल पहुंचा कि नहीं? पैसा बाद में, माल पहले, बाकी का सब मैं संभाल लेगा, मेरे पे छोड़ दे। ए किधर गया वो, किधर गया वो?